हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे बालूशाही, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बालूशाही के लिए आटा लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे 1 चुटकी जितना। 1 कप हमने मैदा लिया है तो उसका 1/4 हिस्सा हम घी डालेंगे। अभी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने जितना घी लिया था उतना ही पानी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालकर आटा लगाएंगे। चौथाई कप पानी इसमें पूरा लग गया है। आटे को खाली हम जोड़ेंगे, आटे को हमें गूंथना नहीं है। अभी हम आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें। लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे। अभी हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। मैंने यहाँ पर पानी में केसर घोल लिया है, इसे हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हो, आप चाहो तो सिंपल भी बना सकते हो। चाशनी हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ना ही हम तार वाली करेंगे, हमें इस तरह की चाशनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी। अभी हम गैस बंद कर देंगे। आटा हमारा लगकर सेट हो गया है। अभी हम आटे को बालूशाही के लिए सेट कर लेंगे, तो अभी हम इस तरह करेंगे। बीच में से कट कर लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, फिर आटे को फैलाएंगे। फिर से बीच में से कट कर देंगे। इस तरह से हमें 3 से 4 बार करना है। ऐसे करने से बालूशाही में लेयर अच्छी बनेगी। अभी हम इस तरह से रोल कर लेंगे। अभी हम लोई कट कर लेंगे। अभी हम एक लोई को लेंगे, लोई को हम इस तरह से गोल कर लेंगे, फिर हल्का सा दबा देंगे। उंगली की मदद से हम आर पार छेद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। सभी को हमने बना लिया है, अभी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अभी हम तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का ही करेंगे। तेल को हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें आटा डालकर देखूंगी। अब देख रहे हो हमने जो आटा डाला था वो ऊपर आ गया है। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें इस तरह का तेल चाहिए।
गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। अभी हम इसमें एक एक करके सारी बालूशाही डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा ही डालना है ताकि अच्छे से डूब जाए इसमें। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक ये अपने आप से ऊपर नहीं आ जाती है। अभी हम इन्हें पलट देंगे। बालूशाही हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख पा रहे हो। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी हम बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमने पहले बनाकर रख ली थी। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप उसे गर्म कर ले। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। दो तीन मिनट के लिए हम चाशनी में रखेंगे। दो तीन मिनट के बाद हम दूसरी तरफ पलट देंगे। चाशनी में हमें इन्हें ज़्यादा नहीं रखना है। मैंने सभी को प्लेट में निकाल लिया है। अभी मैं ऊपर से पिस्ता और काजू डाल दूंगी। हमारी बालूशाही बनकर तैयार है, आप देख पा रहे हो। हमारी बालूशाही तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से ये जितनी क्रंची है अंदर से उतनी सॉफ्ट है। आपको मेरी बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन बटन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।